सबको थैंक यू मच। हम आपके साथ सबसे एक ही गाना चाहते हैं जिसकी वजह से आज ये पूरा ब्रश ब्रश पहचान रहा है। और भैया या हो गाना अच्छा अच्छा बस बस यही गाना ओह इनके लिए एक जोरदार ताली बजाइए। अनुपमा जब इनको देखता हूँ इनको सुनता हूँ तो मुझे देवी नजर आती है। और ये गायक है नहीं सिंगर ही नहीं इनके अंदर संस्कार बहुत ज्यादा है। अब पता ना बोलू से कहे लड़ाई हो जाए हमारा तो पता नहीं क्या क्या अब गोलू हमारे साथ छोट छोट तक काम वाले लेकिन लड़े वाले लड़के नहीं है ये बहुत उम्दा गायक है कलाकार है। और आपका भी जवाब नहीं मेरा भाई जब गाता है तो पूरे अच्छे अच्छे लोगों की बाट बना देता है। आपका मैं हमेशा प्रशंसक रहा हूँ और हमेशा रहूंगा भी लेकिन मैं इनको हमेशा कोशिश करता हूँ कि अच्छे और इनके बहुत सारे गाने आप लोगों ने सुना भी होगा पवन भैया की सास भी इन्होंने गाया है मेरी सास भी सबके साथ गाती है और इनके आवाज में एक जादू है जो कि सबको अपना बना लेता है। मैं प्रार्थना ईश्वर से यही करूंगा कि इस बच्चे को इतना कुछ दे दे कि जब ये रोड पे चले तो दुनिया कहेगी हाँ ये अनुपमा है। बस यही कामना करता हूँ कि अपने तरफ के लोग अपने गांव के अपने शहर के लोग बढ़ते हैं तो खुद को खुशी होती है जैसे हमारे बढ़ने से आप सबको खुशी होती है क्योंकि मैं सिर्फ एक रसूलपुर चट्टी का रहने वाला और मंगरू यादव का बेटा ही नहीं आज मैं पूरे भोजपुरी समाज का लाल हूँ जो कि सबसे गोद में आज खेल रहा हूँ। तो मेरे पिता ने तो सिर्फ मुझे पैदा किया लेकिन सम्मान आप सबने दिखाया। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर हर चाहे वो दुख हो सुख हो अपने भाइयों के लिए अपने पिता के लिए अपने माँ के लिए क्योंकि आज मेरी माँ सिर्फ मेरी नहीं आज पूरे भोजपुरी समाज की हर औरत मेरी माँ की तरह है मेरी भाभी की तरह है मेरी बहन की तरह है। तो कोशिश करता है यही आदमी की अच्छी चीजों को करके अपने लोगों के बीच में अपना सम्मान कायम रखे। काजल याद आती है इसलिए कि इस गाने का उत्पत्ति वहीं से हुआ था। जब मैं बलम जी लव यू कर रहा था तो उसकी शादी कहीं और हो रही थी और वहीं पे एक सिचुएशन था और मैं उसके लिए गा रहा था। मुझे क्या पता था कि यह हकीकत हो जाएगा। किसी को ब्लेम नहीं लगाना चाहिए हर चीज का समय होता है। ये आज स्टेज बना हुआ है कल ये उजड़ जाएगा ये लाइट लगी हुई है कल कहीं और लगेगी। तो इसमें दोषी कोई नहीं होता ना मैं ना आप। ये समय है सिचुएशन है जो लोगों को एक करता है और वही सिचुएशन लोगों को अलग भी कर देता है। तो कोई दोषी नहीं होता है वो समय कराता है और इंसान को इंजॉय करना चाहिए उस हर चीजों को। तू रहलू दिल के करीब हो कि तहरा प्यार में पड़ गई है छपरा के गरीब हो कि प्यार रहे खैरू किरिया कसम हो कि तू हो सिवा देख
देखनी न केहू के हम हो।